आज इस वीडियो के द्वारा हम ये जानेंगे कि फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं, किस प्रकार के फाइब्रॉइड्स आपको परेशानी देते हैं, फाइब्रॉइड्स की कौन सा साइज और कौन सा लोकेशन का क्या ट्रीटमेंट रहता है, इसी के बारे में आज हम इस 3D वीडियो द्वारा डिटेल में जानेंगे। देखिए, हर महिला में एक बच्चेदानी होती है जिसे हम यूट्रस कहते हैं, और उसके साइड में होती हैं 2 फेलोपियन ट्यूब्स और 2 ओवरीज। जो ये फाइब्रॉइड्स होते हैं, ये बेसिकली बच्चेदानी की साधारण गिठाने होती हैं। जो बच्चेदानी है, जिसे हम साधारण भाषा में यूट्रस या गर्भाशय भी कहते हैं, उसके अंदर स्मूथ मसल सेल्स पाए जाते हैं। इन सेल्स की ओवरग्रोथ के कारण, ज़्यादा ग्रोथ होने के कारण फाइब्रॉइड्स का डेवलपमेंट होता है। फाइब्रॉइड्स साधारण गिठाने होते हैं, ये लगभग 25% महिलाओं में पाई जाती हैं, अर्थात हर 4 में से 1 महिला में फाइब्रॉइड पाया जाता है। परंतु हर महिला में फाइब्रॉइड तकलीफ नहीं देता, यह सिर्फ 5% महिलाओं में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फाइब्रॉइड बच्चेदानी के अंदर 3 जगह इसकी लोकेशन हो सकती है। यह बीच वाली दीवार में हो सकता है, सबसे अंदर वाली दीवार पे, या फिर सबसे बाहर वाली दीवार पे। जब यह फाइब्रॉइड बीच वाली दीवार पे पाया जाता है, तो इसे हम इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड कहते हैं। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड यानी कि बच्चेदानी की बीच वाली दीवार पे मिलना। इसका साइज अलग अलग हो सकता है, ये फ्यू सेंटीमीटर से कई बड़े लार्ज सेंटीमीटर, 10-15 सेंटीमीटर से भी बड़ा हो सकता है। जब यह सबसे अंदर वाली दीवार पे पाया जाता है, तब हम उसे सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड कहते हैं। इस दृश्य में आप एक इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड देख रहे हैं, जो कि बच्चेदानी की बीच की दीवार पे स्थित है। यह लगभग 2 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है। जो बच्चेदानी की बाहर की दीवार पे फाइब्रॉइड होता है, उसे हम सब सिरोसल फाइब्रॉइड कहते हैं। सब सिरोसल फाइब्रॉइड्स क्योंकि बाहर की तरफ लोकेटेड होते हैं, इसलिए सबसे कम परेशानी देते हैं। जो अंदर वाली दीवार वाले फाइब्रॉइड्स होते हैं, जो सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा परेशानी देते हैं। आपको क्या क्या लक्षण आ सकते हैं? पेट में दर्द हो सकता है, बच्चा ठहरने में डिफिकल्टी आ सकती है, आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा, ऐसा हो सकता है। ब्लीडिंग अधिक हो सकती है फाइब्रॉइड्स के कारण। अगर फाइब्रॉइड्स बड़े हैं और आपको ज़्यादा परेशानी दे रहे हैं, तो हमें उसे ऑपरेट करने की ज़रूरत आती है। यूजुअली फाइब्रॉइड्स की सर्जरी आजकल दूरबीन के द्वारा की जाती है। दूरबीन से जब सर्जरी करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी उम्र कितनी है। अगर उम्र छोटी है और आप कंजर्वेटिव मेथड्स को मैनेज रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं, तो हम सिर्फ आपका फाइब्रॉइड रिमूव कर देते हैं। फाइब्रॉइड रिमूव करने की सर्जरी दूरबीन के द्वारा आजकल बहुत ही आसानी से की जाती है, जिसमें कि ब्लड लॉस भी काफ़ी कम होता है। इसमें हम फाइब्रॉइड को निकाल देते हैं, और जो फाइब्रॉइड को निकालने के बाद में जो बच्चेदानी की दीवार होती है, उस पर कुछ चाके ले लिए जाते हैं। ये भी दूरबीन के द्वारा, लेज़र द्वारा ही ले लिए जाते हैं। इसके लिए आपके पेट पे छोटे छोटे 3 से 4 छेद किए जाते हैं। इसकी रिकवरी भी काफ़ी फास्ट होती है, क्योंकि यह दूरबीन द्वारा की जाती है। धन्यवाद।